दौलत नगर के बैक साइड, क्योंकि मंगलवार को बैठ में बहुत अच्छा मार्केट लगता है, काफ़ी बड़ा है। और मैं अभी यहाँ पे आई हूँ शॉपिंग करने। यहाँ पे पहले मुझे भी नहीं पता था, बट सडनली एक दिन मैं बाइक से जा रही थी और मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा मार्केट है। सो मैं रुकी एंड मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे अच्छा लगा। काफ़ी चीज़ें जो भी हमारी डेली यूज की, क्लोथ से लेके एवरीथिंग, इवन बर्तन, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी एंड काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सब बैठे हैं, जबकि अभी बारिश का टाइम है, फिर भी अच्छी 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 शॉपिंग, अच्छी मार्केट लगाते हैं। इट्स वेरी नाइस, वेरी रीजनेबल, बहुत ही रीजनेबल है। जबकि हम लोग मोस्टली लिंक रोड जाते थे शॉपिंग करने के लिए, जब से मुझे यहाँ पे पता चला तो मैं यहाँ पे आती हूँ। और यहाँ का ये जो क्राउड है ना, ओ बहुत। तो चलिए मैं कुछ शॉपिंग करती हूँ, मैंने कुछ लिया है। और काफ़ी 100-100 रुपये के यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो आपको मिल जाएंगे। आप देखिए मेरी बाइक साइड कितनी भीड़ लगी है। मैटिक के सारा मेकअप का सामान यहाँ पे, जो बहुत ही रीजनेबल है, लिपस्टिक से लेकर के और फाउंडेशन, बेस, काजल, और अच्छे रेट्स में देते हैं लोग। और जबकि अगर हम देखें तो ये इतने धूप में यहाँ पे सेल्स करते हैं, बट ये मॉर्निंग में लगती है 9 to 2 o'clock एवरी वेडनेसडे, ट्यूजडे। सो ये बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ से मैंने कुछ परचेज भी किया है। आप हमेशा लगाते हैं ना, ये मैंने अभी इनसे लिपस्टिक लिया है। और ये लोग अच्छा शेल करते हैं ये करके सा मेकअप। और इधर पकड़ में हमारा क्लोथ्स का है। और स्विच स्ट्रीट मार्केट के मुंबई के जो भी मिल्लत नगर में है, और जो डे में लगते हैं वो अभी मॉर्निंग। दिस वेरी रीजनेबल, काफ़ी अच्छे अच्छे क्लोथ्स, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। दोनों साइड काफ़ी स्पेस होता है, बहुत बड़ा है। मैं गाड़ी अपनी दूसरी साइड खड़ी कर दिया था मैंने। और काफ़ी ये देखिए ब्राइडल्स के भी यहाँ पे सारे लेंगे, और काफ़ी रीजनेबल। कैसे हैं भैया, ये कैसे है? कितने में आएगी? 4,500। मतलब आई थिंक मार्केट से काफ़ी रिजनेबल रेट में यहाँ पे। यही जब हम तिरुमाला में जाते हैं तो इनके रेट इतने ज़्यादा हो जाते हैं। सो क्वालिटी, रबर बहुत बढ़िया। ये तो रेट ब्राइडल का है।